चार साल का साथ कत से हिसाब। ये लोग कब से रह रहे थे? 3 to 4 years। मोहब्बत और मर्डर की वो 7वीं मंजिल। पहले कत्ल, फिर कुकर में पकाया। कुकर के अंदर ये चीजें जो मानवीय अंग है महिला के, वो बरामद करती है। बर्बरता, क्रूरता इससे भी बढ़कर। प्यार का कत्ल, भरोसे के टुकड़े। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ आहना पुंज और बुलेटिन में शुरुआत मुंबई से करेंगे, जहां पर एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा हुआ है। मीरा रोड स्थित गीता हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट नंबर 704 में मोहब्बत के मर्डर की ऐसी बर्बर कहानी रची गई जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। करीब 4 साल के लिव इन में रह रहे 56 साल के एक शख्स ने 36 साल की अपनी प्रेमिका का बेरहमी से कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद की हकीकत तो इतनी क्रूर है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। छप्पन साल का प्रेमी, 36 साल की महिला, आशिक की सनक, माशूका का मर्डर, मोहब्बत के कत्ल की एक और कहानी। मुंबई के मीरा रोड की ये वही इमारत है जहां एक लिव इन पार्टनर ने अपनी ही प्रेमिका को मौत की घाट उतार दिया। 56 साल का ये शख्स, जिसने लिव इन पार्टनर का पहले कत्ल किया, फिर कटर से काटकर शव के कई टुकड़े कर दिए। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक इस शख्स पर ये भी आरोप है कि इसने लाश के टुकड़ों को कुकर में पकाकर कुत्तों को खिला दिया। लेकिन करीब 4 दिन बाद फ्लैट से जब बदबू आना शुरू हुई तो पड़ोसियों ने इसकी शिकायत की और फिर जो खुलासा हुआ उसने सभी के होश उड़ा दिए। इस पूरी बर्बर वारदात को जानने से पहले आपको वो सब कुछ जानना चाहिए जो महिला के पड़ोसियों ने बताया। मंडे से स्मेल आ रही थी, लेकिन हमें लगा था कोई एनिमल या तो चूहा मर गया रहेगा, वैसा तो हमने उसको इग्नोर किया था। लेकिन ट्यूजडे को बहुत ज़्यादा आई थी, वेनेसडे को बहुत ज़्यादा सिंग होने लग गया। यानी अब कल की बात है। हाँ, तो फर्स्ट टाइम हमने दरवाज़ा टक टक किया था कि मैंने उनको बोला था कि मतलब बोल दे कि कुछ अगर एनिमल मर गया था, चूहा खिड़की में मर गया तो उनको फेंक दे, क्योंकि स्मेल स्टिंग पूरा घर तक आ रही थी। तो फर्स्ट टाइम टक टक किया तो उन्होंने खोला नहीं था। सेकेंड टाइम टक टक किया तो हमने उन्हें रूम फ्रेशनर मारने लग गए। तो वो रूम फ्रेशनर मारने लग गए तो हमें आइडिया हो गया कि कुछ तो गड़बड़। पुलिस ने गीता कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी स्थित फ्लैट में पहुंचकर महिला के शव के टुकड़ों को बरामद किया। शक के आधार पर पुलिस ने महिला के लिव इन पार्टनर मनोज साहनी को भी गिरफ्तार कर लिया। फ्लैट से एक बदबू आने का इंफॉर्मेशन मिला था, मौके पर पुलिस ने आके वो फ्लैट चेक किया तो वहां पे एक डेड बॉडी मिली है जिसका पीसेस करने का कोशिश किया गया। बाद में इन्वेस्टिगेशन में ऐसा पता चला कि एक मनोज साहनी और सरस्वती वैद्य करके जो कपल था, ये मौके पे रह रहा था। पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने शव के टुकड़े करने के लिए कटर का इस्तेमाल करना भी कबूला है। वहीं जानकारी के मुताबिक कुछ दिनों से महिला और आरोपी के बीच पारिवारिक मुद्दे को लेकर तनाव चल रहा था, जिसके चलते आरोपी मनोज ने सरस्वती को बेरहमी से मार डाला। इस वक्त हम उस बिल्डिंग में खड़े हुए हैं मीरा नगर में, जहां पर वो जो महिला हैं सरस्वती, उनकी मौत का मामला सामने आया है, जिनकी लाश को काट दिया गया था। ये घर है, फिलहाल बंद कर रखा है पुलिस ने, 704 ये घर है। और आरोपी जो अभी तक इस मामले में निकल के आया है, मनोज साने, जो महिला का ही एक जो बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है, क्योंकि शादी नहीं हुई थी, दोनों में उम्र का बहुत ज़्यादा अंतर है, फासला है। इस फ्लैट में वो यहाँ पे रह रहे थे और दोनों की प्रोफाइल के बारे में हालांकि अड़ोसी पड़ोसी को बहुत ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन 3 दिनों से इस घर के अंदर से बदबू आ रही थी, एक स्मेल आ रही थी। और जब पड़ोसियों को शक हुआ तो कल शाम को उन्होंने पुलिस को इसके बारे में इन्फॉर्म किया। पुलिस आती है, दरवाज़ा इसको खोलती है और जब दरवाज़ा खोल के अंदर देखती है तो दृश्य बहुत ज़्यादा भयावह होता है, क्योंकि इसके आसपास ब्लड होता है, महिला जो की जो लाश होती है वो टुकड़ों में कटी हुई होती है, जिसको आरी की मदद से काटा गया था।
और उसके बाद जो महिला है उसको जो उसके जब किचन में जाती है पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर ली है, तब भी वहाँ पर कुकर के अंदर ये चीज़ें जो मानवीय अंग है महिला के वो बरामद करती है। मनोज की बर्बरता मर्डर की बात भी जारी थी। वो रोज शव को काटता और कुकर में पकाकर मिक्सर में पीसकर कुत्तों को खिला देता। इस हत्याकांड ने एक बार फिर श्रद्धा हत्याकांड की यादें ताजा कर दी है। दिल्ली में श्रद्धा, निक्की और साक्षी हत्याकांड के बाद मुंबई में हुई सरस्वती हत्याकांड में लगभग एक जैसा पैटर्न देखने को मिलता है। बीते कुछ दिनों में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि मोहब्बत और लिव इन के रिश्तों का एक जैसा अंजाम क्यों हो रहा है। सवाल ये भी है कि मोहब्बत में साथ जीने और मरने की कस्में खाने वाले अपने साथी की ही जान लेकर सुकून की नींद कैसे सो पाते हैं। सवाल ये भी कि क्या ऐसे लोगों पर मोहब्बत नहीं बल्कि सनक सवार होती है, क्योंकि जरा से झगड़े और गुस्से में ये उस शख्स को मौत के घाट उतार देते हैं जिससे कभी ये बेपनाह मोहब्बत का दावा करते थे। बहरहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और उम्मीद है कि जल्द इस बर्बर कत्ल के पीछे की सारी कहानी सामने आ जाएगी। लेकिन ये घटनाएं समाज को ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि आखिर किसी रिश्ते का अंजाम इतना बर्बर कैसे हो सकता है। मुंबई से जीन